हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रविंदर रंधावा गुरु। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड टच थैंक्स बटन। दिस वीडियो इज़ इन हिंदी लैंग्वेज। ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में है। इसमें मैंने राइटिंग टास्क के बारे में डिस्कस करना है। पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे सितंबर के राइटिंग टास्क जो आइल्स में आए हैं, और इसमें जो मेरा वर्क है वो दोनों वे में है। मतलब कि मैंने जो पेन एंड पेपर टेस्ट है और इन अदर फॉर्म वी कैन से पेंसिल टेस्ट है, और जो कंप्यूटर टेस्ट है उनमें कैसे आई। आपको पता है कि कंप्यूटर टेस्ट में डे टू डे डेट्स चल रही हैं, जबकि पेन एंड पेपर में 4 और 5 डेट्स होती हैं विद इन अ मंथ, कई बार 3 भी हो सकती हैं। अब हमने दोनों वे को जो मैंने पहले मैं इसमें जो वर्कआउट कर रहा हूँ डेट इज़ ऑन एकेडमिक पार्ट, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। एकेडमिक पार्ट में जब मैंने राइटिंग टास्क 1 में देखा है, मोस्टली इसमें जितने भी आए हैं, जो भी चार्ट्स हैं, चाहे वो पाए का आया है चाहे लाइन का आया है, थोड़ा सा प्रोसेस चार्ट को कम वर्क वो दिया है इन्होंने चांस। इस ये जो सितंबर मेरा गया है इसमें 2021, चाहे वो पेन एंड पेपर टेस्ट है चाहे कंप्यूटर टेस्ट है, ओके, तो प्रोसेस को इन्होंने कम दिया है। अब जो इस साल का एंड जो होने जा रहा है, वो जैसे अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, आई थिंक 18 तक लास्ट एग्जाम है इस साल में, फिर 22 का स्केड्यूल बन जाएगा। अब जो अक्टूबर में उम्मीद है जितनी ज़्यादा टेस्ट में, देखो मतलब आई एम नॉट श्योर, लाइन ग्राफ तो रहेगा, दैट्स द मेन पार्ट, क्योंकि ये एक वर्कआउट रहता है। इसके साथ टेबल ज़्यादा अटैच हो सकता है अगर हम पास्ट को देखते हैं, ठीक है, और टेबल के साथ साथ प्रोसेस के चांसेस हैं। तो प्लीज़ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो ये एक तरह का एक हिंट है, वी कैन से गैस है, आप इसको मतलब कि वो बिल्कुल ग्रंटेड पार्ट मत लीजिए। कि अगर मैंने जितना देखा है सितंबर में, जिस तरह से चार्ट्स आए हैं, पूरा मेरा एनालिसिस है, पूरे वर्कआउट किया है पूरे मंथ का, उसके अकॉर्डिंग जो एकेडमिक की बात कर रहे हैं हम लोग, लाइन टेबल प्रोसेस पे ज़्यादा स्ट्रेस जा सकता है। तो ये एक मतलब पॉइंट है, इन तीनों के ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। बाकी आपने जो पाए है या अदर फॉर्म्स ऑफ चार्ट हैं वो आपने अपना वर्कआउट करते रहिए, राइट। अब आ गया मैं इसके बाद राइटिंग टास्क 2 में एका की। एकेडमिक की राइटिंग टास्क 2 और जर्नल में डे एंड नाइट का डिफरेंस है इनकी असेसमेंट पैटर्न में, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो स्कॉलर होता है, राइट, ये कैटेगरी का होता है यहाँ पे। हम उसको ये बिलीव करते हैं जब भी हम पेपर सेट करते हैं कि जो मतलब कि इसमें ये मानते हैं हम, मतलब कि बीइंग एन एग्जामिनर मैं एक बात कर रहा हूँ, राइट, कि ये पर्सन जो है अभी अभी कॉलेज से या स्कूल से, मतलब ये एक तरह से वीकेंड से इंस्टीट्यूट से बाहर आया है, इसको इतनी वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है, इसको अपने सब्जेक्ट और रिलेटेड मैटर्स जो जो इसको पढ़ाया गया है और जितना इसने अपनी सोसाइटी को समझा है, देखो जितना आइडिया, अब मेरे इस बात को ना एक राइटिंग टास्क में जो एक बहुत बड़ा डाउट रहता है मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को, ऐसी बात नहीं अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी रहता है, इस बात को आप बड़ा ध्यान से सुनना। जब पेपर सेट किया जाता है, जो ये कैम्ब्रिज है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, एवरीबडी नोस, और इंग्लिश पैटर्न इन्होंने संभाला हुआ है वर्ल्ड में इस टाइम, राइट, मैक्सिमम इनके पास है। वैसे तो दूसरे ग्रुप्स भी हैं, पियर्सन्स है, ETS है और वेरियस ग्रुप्स हैं, अदर ग्रुप्स भी, बट इस ग्रुप ने काफ़ी मतलब कि वी कैन सी डैट मार्केट किया और प्रॉपर वे से संभाला हुआ है, राइट। और इंग्लिश लैंग्वेज को, और फ्रैंक टू यू, जो भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े, रिसर्च पेपर्स पढ़े, इन लोगों ने ही आगे लेके आए हैं, तभी हम लोगों तक वो पहुँच रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट इनको जाता है, राइट। अब ये लोगों ने, अगर मेरी, मैं इतना बैकग्राउंड में इसलिए जा रहा हूँ कि आपको बताने के लिए कि राइटिंग टास्क 2 की एडजस्टमेंट क्या है, सेटलमेंट क्या है। आप एक स्टूडेंट हो, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, अगर आपने एकेडमिक का एग्जाम देना है, राइट, व्हाटएवर मे बी योर एज, एजुकेशन,
हमने जो एग्ज़ाम सेट हो रहा है वहाँ पे, उसमें एग्जामिनर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, स्कॉलर मानना है, उसने कहना है कि आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, इसको एस बना देते हैं, क्योंकि टेंथ तक आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे आपने, कोई एंट्रेंस कुछ भी, कहने का मीनिंग ये है, कोई रीजनिंग का कुछ भी, सोसाइटी को भी देखा होगा, कितनी कितनी सोसाइटी, अगर मैं बिल्कुल बेस पे जाता हूँ तो आपकी एज जो 15, 16, 17 कुछ भी हो सकती है, बेस की बात है 18, 19, राइट, उतनी आपने सोसाइटी देखी, उस हिसाब से टॉपिक सेट होता है और उस हिसाब से इनकी आंसर की डिमांड होती है। अभी लेटेस्ट एक टॉपिक आया था, आपको पता है कुछ लोग कहते हैं वीडियो गेम्स अच्छी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं वीडियो गेम्स कंप्यूटर गेम्स बहुत अच्छी हैं, तो ये चीज़ें ऐसे टाइप से आ जाती हैं। तो अब जितना ये सितंबर में पार्ट गया है, अब मैं इसी बात को लेता हूँ, थोड़ा सा इन्होंने टेक्नोलॉजी को काफ़ी उठाया है सितंबर में अपने टॉपिक्स में, उसके साथ साथ इन्होंने देखो ये तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ये तो हर बारी आएगा ही आएगा, हर मंथ में चलना ही चलना है सोसाइटी को, टेक्नोलॉजी सोसाइटी एंड एजुकेशन, इन तीन कंसेप्ट्स को काफ़ी उठाया है, चाहे वो पेपर बेस्ड टेस्ट थे चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। अब जो टाइम है उसमें भी पॉसिबिलिटी ये रहती है, राइट, कि ये तो मैटर यूनिवर्सल मैंने आपको बता दिया, इसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, आप भी इसी चीज़ के पार्ट हैं। अब जो मेरी मैटर रहेगी है वो किस पे रहेगी है, जो अब है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे साइंस पे जाने का टॉपिक का इसकी बजाय इस पे आने की उम्मीद है, मतलब कि ये मेरी वो है अक्टूबर पार्ट में, एजुकेशन मे और मे नोट में है, बट एजुकेशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होएगी, मे बी इन पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है माय डियर, क्वालिफिकेशन में पार्ट में चेंज हो जाएगी, ये साइंस में चेंज होएगी और सोसाइटी आपका रहेगा रहेगा, ये तीन ऑप्शंस आने की उम्मीद है। घूमेगा वही सिस्टम, आपको पता है कि 8-10 जो मेन टॉपिक्स होते हैं उन्हीं के ऊपर सारा वर्कआउट होता है, रहेगा उन चीज़ों के ऊपर हमने राइट, बट थोड़ा सा चेंज आएगा, तो ये है चाहे सीवी है चाहे पेपर बेस्ड राइटिंग। अब हम लेते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज योर जनरल आइल्स पीपल को लेटर जो रही हैं इस बारी, ऑफिशियल लेटर्स तो चलती रहेंगी, वो अभी अक्टूबर में भी पूरे चांसेस हैं, कंप्लेन रही है इस बारी ज़्यादा सितंबर में, राइट, कंप्लेन के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ऑफिशियल तो आपकी चलती रहेंगी, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट, ध्यान से प्लीज़ कंसंट्रेट, जो ये पार्ट है ये देखो मे और मे नोट में आ सकता है लेकिन मुझे चांसेस कम है, इसकी जगह जो आप जाएंगी डैट इज़ इनफॉर्मल लेटर्स पार्ट में जाएंगी, मतलब कि जैसे फ्रेंड हो गया, पेरेंट्स हो गया, इस टाइप की लेटर ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब हम लोग वर्क कर रहे हैं, अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पे आपको पता है ड्यू टू यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब ऑल्सो, राइट, और इवन इफ आई एम थैंकफुल टू अदर सोशल साइट्स ऑल्सो लाइक फेसबुक, तो अब ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहा हूँ मैं, ग्लोबल लेवल का मतलब ये है कि ये वर्ल्ड है तो कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आइल्स से बचा हुआ है, इसका वेब पूरे वर्ल्ड में है, राइट, ऑफिशियल रहेंगी रहेंगी, कंप्लेन आउट हो सकती है, फ्रेंड्स आ जाएंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे लेटर्स में, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, सो रिमेंबर वन थिंग। अब आते हैं हम राइटिंग टास्क टू, जो एक टिपिकल पार्ट है। अब मैंने एक पॉइंट उठाया था कि ग्लोबल लेवल पे, तो मैंने एक चीज़ देखी है, कई लोगों ने 10 times एग्ज़ाम दिया, कई लोगों ने 5 times एग्ज़ाम दिया, कई लोगों ने 1 time ही एग्ज़ाम दिया, कईयों ने 2 times दिया, कुछ ऐसा स्कोर है जो आज की डेट में एक बेंचमार्क बन चुका है, डेट इज 8777 इन जनरल। इसको स्केल करने के प्रोसेस में इवन इफ बहुत अच्छे एकेडमिक्स पीपल भी हैं जिन्होंने 5-6 times में स्केल किया, तो दैट आई वांट टू से कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपरेशन करो, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ
जस्ट सिटिंग इन द आइल्स कोई कम नहीं है, उसको ट्राई करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी क्लियर हो जाए आइल्स. एंड आई होप बेस्ट फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक माई डियर टू ऑल ऑफ यू. अब राइटिटस टू में आता हूँ मैं. यहाँ जो टॉपिक रही है, देखो ये तो कभी एवरग्रीन टॉपिक है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पिछले मंथ जनरेशंस के ऊपर टॉपिक ज़्यादा आया है जो अब नहीं आएगा, क्योंकि हर मंथ का पैटर्न चेंज होता है, राइट. सोसाइटी तो रहेगा ही रहेगा. अब यहाँ पे जो आने की चांसेस हैं, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आएगी, डेट इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. इसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आने की नीड हो सकती है. अब इसकी असेसमेंट किस पे होती है, जो मेन पार्ट है, कैसे सेट किया जाता है, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है सबसे बड़ी बात, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस जो भी आपने देखा. इसका मतलब एक तो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया, एक आपका, मैं सेटिंग की बात कर रहा हूँ, एग्जाम कैसे सेट हो रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस आ गया, उसके साथ उसको बैकअप देने के लिए आपकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन आ गई, दोनों चीजें. इसका मतलब ये जो आप ह्यूमन है, आपका 360 डिग्री जो सर्कल है लाइफ का, वो सब कुछ आ गया जब एग्जाम सेट किया जाता है. अब वो क्या डिमांड करता आपसे, क्या चाहता है, व्हाट ही वांट्स, सेम थिंग कि मैंने एग्जाम को ऐसे सेट किया, एक पेपर बनाया मैंने, एक टॉपिक बनाया, वो टॉपिक आपने मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं, राइट. इनको लिखने में जहाँ पे आप किसी भी फॉर्मेट में लिखिए, लेकिन एक हमारा एक फिक्स फॉर्मेट है कि 1 2 3 4 इंट्रो पार्ट पार्ट बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट और कौन कौन. आप फॉर्मेट लिखने में इसको, जिसके लिए उसने आपको 40 मिनट्स का टाइम अलॉट किया है, आपका वे आउट क्या है, वो आप वर्क कैसे करते हैं, ये चीज वो डिमांड कर रहा है. आई थिंक आपको समझ आ रहा है मेरा पॉइंट. जब भी आप राइटिंग टास्क टू करते हो, चाहे आप जर्नल का करिए, चाहे आप एका का करिए, एक बहुत क्लियर चीज दी होती है, राइट. गिव योर ओन एग्जाम्पल्स, राइट. राइट योर एक्सपीरियंस. पहले ऐसे नहीं था, ये 2009-10 के बाद चेंज हुआ है. पहले राइटिंग और होती थी, आप पुरानी बुक्स में देखो उनका लिखने का स्टाइल, अब देखो कि उन्होंने क्या डिमांड की है, इसलिए राइटिंग में इतना चेंज आया. तो आपने जो भी राइटिंग करते हो, एक बींग एन एक्सपीरियंस पर्सन अगर आप करते हो तो आपके बैंड आ जाते हैं. अगर आप कॉपी करते हो, रेटिफिकेशन करते हो, या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो बैंड डिटेक्ट होते हैं. अब यहाँ पे एका के ऊपर एक मिनट दोबारा आते हैं, जो बेंचमार्क है काफ़ी कंट्रीज का, वो इसके ऊपर है, डेट इज 6 एज के ऊपर, प्लस टू स्टूडेंट का. जैसे जैसे एजुकेशन इंक्रीज होएगी, आपका बेंचमार्क आइल्स का भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो दैट्स द थिंग. तो ये मेरी छोटी सी डिस्कशन थी, डोंट टेक इट इन लाइट वे. अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल बात को क्लियर करो, कोशिश करो, समझो इस बात को, वट एवर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. और मैंने स्पीकिंग की भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बाकी नेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, सो यू कैन ट्राई अकॉर्डिंग टू योर विश. यू आर वॉचिंग प्रविंदर रंधावा गुरु. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड टच थैंक्स बटन. थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स वंस अगेन.